बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू डीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी अब तक पता नहीं चल पाया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके विजिट वीज़ा ओपन हो चुके हैं या फिर वो कंट्री जो है वो विजिट वीज़ा दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूरोप कंट्रीज हैं और कौन कौन से कंट्रीज ने अपने विजिट वीजा ओपन कर दिए हैं या फिर विजिटर्स के लिए अपनी बॉर्डर्स को ओपन कर दिया है। तो चले दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अच्छा दोस्तों, ये कंट्रीज मिक्स हैं, कुछ यूरोप कंट्रीज हैं तो कुछ शेंजियन कंट्रीज हैं। मतलब अब तक जिन जिन कंट्रीज ने भी अपने विजिट वीजा या फिर विजिटर्स के लिए बॉर्डर्स को ओपन किया है उन सब कंट्रीज के नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो नंबर वन के ऊपर दोस्तों जो हमारे पास कंट्री है वो है स्पेन। दोस्तों स्पेन अपना टूरिस्ट वीजा जो है वो ओपन कर चुका है। अगर आप चाहो तो स्पेन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप जिस कंट्री से ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट्स मांगी जाएगी बिकॉज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। सेकेंड नंबर पे बात की जाए तो दोस्तों ये है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने भी दोस्तों अपना बॉर्डर जो है वो ओपन कर दिया है टूरिज्म के लिए, लेकिन उन्होंने एक रेड लिस्ट जो है वो इंटरनेट पर पब्लिश कर दी है जिनमें उन कंट्रीज के नाम है जो कि स्लोवेनिया ट्रेवल करेंगे तो उनको क्वारंटीन प्लान भी फॉलो करना होगा और कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट करनी होगी। तो ये रेड लिस्ट आपने चेक करनी होगी, उसके बाद ही आपने स्लोवेनिया के लिए अप्लाई करना है। नंबर थ्री के ऊपर बात करें तो दोस्तों ये है सन मरीनो। दोस्तों सन मरीनो एक यूरोप कंट्री है और इन्होंने भी अपना जो टूरिस्ट वीजा है वो ओपन कर दिया है नॉन ईयू कंट्रीज के लिए और ईयू कंट्रीज के लिए। साथ ही दोस्तों कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी गई, मतलब कोई आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कंट्री के लिए। उसके बाद बात करें दोस्तों नंबर फोर पे तो ये है रोमेनिया। दोस्तों रोमेनिया ने भी अपना टूरिस्ट वीजा जो है वो ओपन कर दिया है, लेकिन जिनके पास भी कोई अच्छा रीजन होगा सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर पाएंगे, चाहे अब वो ईयू कंट्री से हो या फिर नॉन ईयू कंट्री से, सबके लिए यही रिक्वायरमेंट रखी गई है। साथ ही दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो होटल्स हैं, इसके अलावा गेस्ट हाउस हैं और इसके अलावा जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको ओपन कर दिया है, मतलब टूरिज्म के लिए अब लोग जा सकते हैं, लेकिन रोमेनिया में सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास कोई अच्छा रीजन हो टूरिज्म के लिए, तो सिर्फ उन्हीं को जाने की परमिशन दी जाएगी, अब चाहे वो ईयू कंट्री से हो या फिर नॉन ईयू कंट्री से। नंबर फाइव की बात करें तो दोस्तों ये है नेदरलैंड्स। दोस्तों नेदरलैंड ने भी अपना टूरिस्ट वीजा जो है वो ओपन कर दिया है, लेकिन जो लोग भी टूरिस्ट वीजा पर जाना चाहते हैं उनको अपने कंप्लीट हॉलीडे प्लान जो है वो सबमिट करना होगा कि वो कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे। साथ ही दोस्तों होटल बुकिंग भी उन्हें करानी होगी, उसके बाद ही उन्हें वीजा दिया जाएगा। नंबर सिक्स के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों ये है मोनाको। दोस्तों मोनाको भी एक यूरोप कंट्री है और ये कंट्री भी अपना टूरिस्ट वीजा जो है वो ओपन कर चुका है। नंबर सेवन के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों ये है लग्जमबर्ग। दोस्तों लग्जमबर्ग भी अपना टूरिस्ट वीजा ओपन कर चुका है, लेकिन कुछ कंट्रीज के लिए, मतलब ईयू कंट्रीज जो है वो अभी फिलहाल ट्रैवल कर सकती हैं, इसके अलावा शेंजियन कंट्रीज जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लोग ट्रैवल कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के लोग ट्रैवल कर सकते हैं, सिंगापुर के लोग कर सकते हैं, साउथ कोरिया के लोग कर सकते हैं और थाईलैंड के लोग कर सकते हैं। मतलब बाकी कंट्रीज के लिए अब तक नहीं खोला गया, सिर्फ जो कंट्रीज के मैंने आपको नाम बताए उनके लिए अभी टूरिस्ट वीजा ओपन किया गया है लग्जमबर्ग का। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नंबर एट की तो यह है आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड भी अपने बॉर्डर अभी रिसेंटली ओपन कर चुका है टूरिज्म के लिए, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ उन्होंने ईयू कंट्रीज को ही परमिशन दी है। तो दोस्तों ये थे कुछ कंट्रीज जिन्होंने अब तक टूरिज्म के लिए जो है वो अपने बॉर्डर्स को ओपन किया है या फिर टूरिस्ट वीजा ओपन किया है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो इन कंट्रीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो जहां पर आप एलिजिबल हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।